बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज हैं हमारे साथ, बात करेंगे कि आज सदन में जिस तरीके से जीएसटी को लेकर सवाल खड़े हुए, कहा जा रहा है कि जिन लोगों को डिवार कर दिया गया है उन लोगों को भी जो फिर से दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, संवैधानिक है और जिन लोगों को डिवार किया जाता है तो उन लोगों को उस समय कभी काम नहीं मिलता है। जब वो डिवार सूची से हट जाते हैं, जब वो अपना काम कर देते हैं, वो अपना विभाग में आवेदन देते हैं कि हमको डिवार सूची से हटाया जाए, हमने अपना काम को पूरा कर दिया है, तब उसको डिवार सूची से हटाया जाता है, तब उसको काम मिलता है, अन्यथा उनको काम नहीं मिलता। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करें। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई पर सुनिश्चित करें कि अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है। उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है जो सब समय काम पूरा नहीं करवाते हैं, और अधिकारियों के एक नियम बना हुआ है कि जब कोई संवेदक समय पर काम पूरा नहीं करते हैं तो उसको जो है डिवार किया जाता है, और अगर वो सब समय डिवार नहीं करते हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। विभाग के द्वारा एक लक्ष्य तय है कि बिहार के सभी बसावटों को एकल संप्रदा दिया जाना है। एकल संप्रदा से संबंधित कई एक सवाल दोहरी संप्रदा से संबंधित था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि दोहरी संप्रदा का रोड बने, लेकिन विभाग के द्वारा एकल संप्रदा में ही सड़क का निर्माण अभी किया जा रहा है, और जब दोहरी संप्रदा का मामला आएगा, दोहरी संप्रदा का ये आएगा तो दोहरी संप्रदा जीएसटी को लेकर भी सवाल उठा था कि आप लोग पैसा नहीं लेना है, संवेदक को इसी तरह कर दे रहे हैं। जी, जीएसटी के मामले में 2% जीएसटी हम लोग विभाग के द्वारा पहले काटा जाता है, उसके बाद संवेदक स्वयं जीएसटी अपना भरते हैं, उसके लिए वाणिज्य कर विभाग है जो वाणिज्य कर विभाग उसको देखता है जीएसटी को कि कैसे जो है उसको लेना है। अगर वाणिज्य कर विभाग के द्वारा किसी संवेदक के ऊपर ये दिया जाता है कि इसने जीएसटी जमा नहीं किया है, आप स्वयं इसको काट कर जमा कीजिए, तो वो काटने का 79C के तहत नियम है, 50 और जो पूर्व का नियम जो है 2% ही काटने का, 2% हम लोग काट लेते हैं, उसके बाद ही जो है 2% जीएसटी जो है SGST और केंद्रीय GST दोनों भी हम लोग आप इस मामले को देखिए जो गलत बता रहे हैं उसको लेकर, तो आपको लगता है कि विभाग के अधिकारी आपका सब जो भी जो सवाल आप लोग पूछा जाता है, कई एक सवाल जो है दोहरी संप्रदा से संबंधित मामला था, इसी को लेके कुछ प्रश्न किया गया था, उसको हम लोग एक पूरा समीक्षा कर लेंगे कि माननीय सदस्य का कहना था कि नहीं उसमें भी बसावट उपलब्ध है। योग बसावट का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे बसावट ये नहीं है, योग बसावट का मतलब होता है कि अगर एक तरफ से संपर्कता मिला हुआ है तो दूसरी तरफ से संपर्कता विभाग को भी नहीं देना है। लेकिन एक सवाल जो पूछा गया उसमें यह था कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चलते सत्र में इसका जवाब दीजिए, संवेदक जो देरी करते हैं संवेदक पर तो कार्रवाई कर देते हैं लेकिन अधिकारियों को आप लोग बचाते हैं। संवेदक के ऊपर अगर कार्रवाई स्वसमय कर दिया गया है तो उसमें अधिकारियों का फिर कोई दोष नहीं है, अगर अधिकारी अगर संवेदक के ऊपर कार्रवाई करने में अगर विलंब करते हैं तो अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। तो बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज थे हमारे साथ, महेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।